अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉम पीस एंड टाइनी फीट। सो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम, हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम। सो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ रेमेडी, उसका नाम है नेचुरल आम पाचक चूर्ण। नेचुरल आम पाचक चूर्ण है, उसके इंग्रेडिएंट्स है धनिया, जीरा, सोट, ड्राई जिंजर पाउडर, सौंफ एंड पुदीना। इसका इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। ये एक सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में लेना है और 2 times a day लेना है। इसका प्रोसीजर मैं इन डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर बॉडी का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, हेडेक होता है, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, बैक पेन इमेंस होता है। ये जो आम पाचक चूर्ण का जो रेसिपी है, जो मटेरियल लगता है, जो मेजरमेंट लगता है, वो मैं आपको बताऊँगी। धनिया, सोट और जीरा, अगर आप 10 grams ले रहे हैं ईच इन पाउडर फॉर्म, तो उसके साथ सौंफ पाउडर एंड पुदीना पाउडर 20 grams लेना है। उसको पूरी अच्छी तरह से सारे पाउडर्स को मिक्स कर लेना है और एक जार में स्टोर कर देना है, सोने से पहले, रात में और सुबह उठने के बाद। इसका कोई बात नहीं है कि आप खाली पेट ले रहे हो या कुछ खाया है। लूक वार्म वाटर के साथ 1 spoon मैक्सिमम 2 gram के आसपास आपको ये लेना है। चूर्ण स्पेशली लेडीज़ के लिए है जिसका फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी बॉडी शेपलेस हो जाती है। वो सारी डाइट्स करते हैं, खाना कम खाते हैं, कभी कभी ज़्यादा खाते हैं, भूख इम्बैलेंस हो जाती है, कभी ज़्यादा भूख लगती है, कभी कम भूख लगती है, खाना खाते हैं लेकिन वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिस वजह से सारा फूड मटेरियल, जो भी फूड इनटेक होता है, ना ही उनके प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन बॉडी को मिल पाते हैं, इनफैक्ट वो सारे फैट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ मेरी पर्सनल टिप्स भी देना चाहूँगी, जैसे आप लीजिए प्रॉपर स्लीप, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, डू एक्सरसाइज, गरम खाना खाइए। थिंक डाइजेशन सिस्टम को जो ठीक करता है वो खाना चबाकर खाना, कम से कम एक बाइट को आप 25 times चबाइए, जिससे वो एकदम पतला होता है और जैसे स्टमक में जाता है तो डाइजेशन करने में बहुत आसान होता है। सेकेंड है इंक्लूड फाइबर, जितना आप फाइबर आपकी डाइट में इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। हम ये बात पे आते हैं कि ये आम पाचक चूर्ण किसको काम में आता है। ये उन लोगों के काम में आता है जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसका डाइजेशन सिस्टम स्लो है, जो खाना खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैं रिकमेंड करूँगी उन फीमेल्स को, उन गर्ल्स को और उन टीनेजर्स को जो कि बाहर का खाना खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। इस टाइम के इस सेंचुरी में ये बहुत कॉमन है और खाना ही पड़ता है, कभी कुछ अवेलेबल नहीं होता है। कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चे, बाहर एजुकेशन ले रहे, इजी है, रेट चीप है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर इतनी सारी प्रिजर्वेटिव्स होती है जो डाइजेशन सिस्टम को वीक कर देती है। एज फार एज चूर्ण है वो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फास्ट असर करता है और बहुत ही नेचुरल है। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल थिंग नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये इस्तेमाल करिए। और इसका ये चूर्ण हम लोगों ने खुद ट्राई किया है, हमारी फैमिली मेम्बर्स ने ट्राई किया है, रिलेटिव्स ने ट्राई किया है, फ्रेंड्स ने ट्राई किया है एंड विद इन अ मंथ उनको रिजल्ट मिला है। ये मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है, स्किन में प्रॉब्लम्स जो रहती है वो हट जाती है, ब्लड प्योरीफाई करता है, गैसेस कम करता है, एसिडिटी कम करता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद महसूस करेंगे। हम एक्टिव हो जाते हैं, हमको नींद प्रॉपर आती है, हमारा स्किन में, हमारे फेस में, हमारे आईज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं विद इन अ मंथ। थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव टू ऑल द मॉम्स, कीप गोइंग। खुदा हाफिज़।